चुनाव में 2019 से भी बढ़कर बहुमत आने वाला है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे महाराज जी, काम किया? जनता की सेवा, अच्छा शासन व्यवस्था, ये सबसे बड़ा मुद्दा। जनता की सेवा तो लगातार बीजेपी सबको समा गया, जनता की सेवा में सबको समा गया, राष्ट्र की सेवा समा गया। महाराज जी, जनता की सेवा तो लगातार बीजेपी करती आ रही है, कोरोना हो या कुछ अन्य मामले हो, लेकिन अब 2000 के चुनाव है, लंबी लड़ाई है, 400 पार जाना है, तो क्या और मुद्दे शामिल होंगे? देखिए, पूरी निष्ठा और भावना से, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा, अभी तो पूरे मानव जीव जंतु जाति की सेवा के अंदर लगे हैं, पूरी प्रकृति की सेवा में लगे हैं। उनका ध्येय केवल भारत को ही विकसित नहीं बनाना, पूरे देश और पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने की भावना है। मैं मानता हूं कि 400 पार का लक्ष्य जाएगा, ऐतिहासिक विजय भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले चुनाव में देने वाली। देखिए, हमारी चुनौती है कि हम बेहतर लोगों तक विकास दे पाएं, बेहतर लोगों के तक सुविधाएं पहुंचा पाएं और भारत के सपने को विकसित भारत राष्ट्र बना पाए, यही हमारा लक्ष्य है, चुनौती नहीं है। कांग्रेस हादसे के पथ पर है, कांग्रेस की कोई भी बात को कोई भी विशेष गंभीरता से लेता नहीं है, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज़ को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को इस तरफ छोड़ दीजिए, देश को और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में आप भी सब साथ हैं। कांग्रेस बीजेपी का इवेंट है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा देश अखंड एकजुट है और पूरे सनातन धर्म संस्कृति में आस्था रखने वाले, और मैं मानता हूँ प्रत्येक धर्म में आस्था रखने वाले सभी जीव, सभी व्यक्ति, सभी मानव एक हैं, क्योंकि भगवान राम लला का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। महाराज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का इवेंट है। देखिए, कांग्रेस के कहने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने तो भगवान राम लला को ही इनकार कर दिया था, तो वो कुछ भी कह सकती है, उसकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ना तो अपना धर्म है देश का, ना देश का हित है, उनमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत हित है, और वो पार्टी मैं मानता हूँ कि देश की मिट्टी से नहीं बनी है, वो तो जिस प्रकार से बनी है देश के लोग जानते हैं। महाराज, देश से कुछ ना कुछ पहुँच रहा है, अयोध्या आपकी विधानसभा से भी कुछ विशेष? बिल्कुल, सब पूरे देश से, हर जिले से लोग जाएंगे, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र से, हर जिले से लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या में लोग भगवान राम लला के दर्शन करने पहुँचे। सब पूरा देश राम के सारे, पूरा विश्व राम के सारे, भगवान है वो तो, भगवान के सारे तो सब हैं।